Hello students, good morning all of you. First of all, discuss about lesson 13, library function के part 3 में. Standard library function की अंतर्गत character function की चर्चा हम लोग पिछले video tutorials में कर चुके हैं, जिसमें हमने is alpha, numeric, is digit, upper और lower के बारे में चर्चा की थी. आज जो हमारा फंक्शन है टू लोअर फंक्शन है और टू अपर फंक्शन है. जो टू लोअर फंक्शन है, यदि कोई अंग्रेजी वर्णमाला का इंग्लिश वर्ण का कोई अक्षर अगर आप उसे अपर केस में देंगे तो उसे वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. ठीक सेम कंडीशन यहाँ है, कोई अगर आपका लोअर केस अल्फाबेट दिया जाता है तो उसे अपर केस में कन्वर्ट करा देगा. ये दोनों फंक्शन आपकी सेम टाइप के हैं और सेम इसका प्रोग्राम है, सिर्फ फंक्शन आप वहां चेंज करोगे तो प्रोग्राम आपकी चेंज हो जाएगी और उसका आउटपुट डिफरेंस टाइप का आने लगेगा. ठीक है, कोई आपका अल्फाबेट दें तो वो आपका, चाहे कोई आप सेंटेंस ही क्यों ना दें, किसी का नाम ही क्यों ना दें, एक करेक्टर को इनपुट कर लेगा और सारे करेक्टर को छोड़ देगा. यानी कि एक करेक्टर इनपुट कराता है तो वन वैल्यू देगा, अन्यथा आपका जीरो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेक्टर डेटा टाइप लगाएंगे. करेक्टर लगाया हमने CH और printf, सेम कंडीशन जैसे हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में करते थे. printf enter any character, enter any character, कोई करेक्टर आप ले लें. और यहाँ पे CH इक्वल हमने क्या दिया, गेट सी एच ए आर फंक्शन दे दिया ऐसा आर्गुमेंट. और यहाँ पर हमने चेक करा लिया, चेक कराया, क्या करा लेंगे, चेक हमको कराना था टू लोअर फंक्शन है कि नहीं. तो हमारा क्या है, यहाँ सी एच इक्वल टू लोअर लगा देंगे. टू लोअर क्या चेक कराएंगे इसमें, उसी करेक्टर को जो हमने दिया है. अब क्या प्रिंट करा दें, हम प्रिंट करा दें द करेक्टर इज लोअर केस मॉडुलस सी लगाकर सी एच प्रिंट करा दें. इसका पूरा फंक्शन किसमें चला जाएगा, इसमें. तो मैसेज हम क्या दे दें, द करेक्टर इज लोअर केस इक्वल मॉडुलस सी लगा दें. एक करेक्टर को इनपुट करा रहे हैं तो मॉडुलस सी लगा के सी एच में होल्ड कर जाएगा. तो सी एच वाले वेरिएबल को यहां ले आएंगे, देन printf फंक्शन आप लगाओगे और स्लैश n लगा देंगे और क्या कर देंगे, गेट सी एच फंक्शन लगा देंगे. ये हो गया. तो अब क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या है कि जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने में run रन अब जब कराओगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख के आएगा, इंटर एनी करेक्टर. यहाँ पर आपका लिख के आया इंटर करेक्टर, कर्सर ब्लिंक करेगा. यहाँ पर क्या कह रहा है, अपर केस अल्फाबेट, अगर इसको हमने जी दिया तो क्या करेगा ये करेक्टर, मॉडुलस सी के द्वारा आउटपुट क्या आएगा, जी लिख कर आएगा. ठीक है, ये लोअर केस. अगर मान लीजिए हम इसको लोअर केस में देते हैं तो क्या वो अपर केस कन्वर्ट करता है, नहीं. इंटर एनी करेक्टर ऐसे लिखे, अगर स्मॉल जी ही हम दें तो ये स्मॉल जी ही वापस कर देगा. ठीक है, क्योंकि लोअर केस आपका अल्फाबेट है, अगर कोई चीज आपको इसको स्मॉल में देंगे तो स्मॉल में ही आपका वापस कर देता है. अगर मान लीजिए इसको कोई हम यहाँ पे डिजिट दे दें तो क्या करेगा, उसे वापस कर देगा. मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई नाम दे दिया किसी व्यक्ति का, मान लीजिए हमने नाम दिया आर ए एम दिया. ठीक है, तो आर को सिर्फ वापस कर देगा, ए एम को क्या करेगा, छोड़ देगा. क्यों छोड़ देगा, क्योंकि सिर्फ एक करेक्टर को आपने इनपुट कराया है, पूरी स्ट्रिंग को आपने इनपुट नहीं कराया है, इसलिए उसे छोड़कर आगे निकल जाएगा, उसके असाइनमेंट को छोड़ देगा. नेक्स्ट प्रोग्राम ही आपका है, नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, टू अपर फंक्शन. सेम प्रोग्राम है, एक लाइन सिर्फ आप इसको चेंज करेंगे पूरा प्रोग्राम आपका बदल जाएगा. कहां पर चेंज कर दें, यहां पर हम उस प्रोग्राम को चेंज कर दें. सेम कंडीशन रहेगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपर केस. बस बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसे आपने समझ लिया तो दो चार नंबर्स की जो प्रोग्राम्स आती है वो आपके लिए
इजी वे में हो जाएगी। कहां पर सर ने लाइन चेंज किया था और वो पूरा प्रोग्राम चेंज हो गया, टू अपर कह रहा है राइट, ये प्रोग्राम टू प्रिंट टू अपर। किसी दिए हुए स्ट्रिंग को आप चेक करके बताएं या किसी दिए हुए करेक्टर को चेंज करके बताएं कि दिया गया करेक्टर आपका अपर केस है कि नहीं, यानी कि अगर हम इसको कैपिटल लेटर में दे रहे तो लोअर केस में परिवर्तित कर, अगर हम लोअर केस में कोई करेक्टर देते हैं तो क्या वह उसे अपर केस में परिवर्तित करता है वो फंक्शन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सी एच इक्वल टू अपर, क्या लिख देंगे, टू अपर फंक्शन लिखा हमने, सी एच लिखा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूपीपीआर अपर केस हमने लिख दिया, ठीक है। अपर केस में क्या करेगा यह फंक्शन, जब आप आउटपुट लेने जाएंगे कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के लिए अल्ट प्लस एफ नाइन की आपने कंपाइल किया और सी टी आर एल प्लस एफ नाइन की से क्या करेंगे आप, सी टी आर एल प्लस एफ नाइन से आप क्या करेंगे, रन कराएंगे प्रोग्राम को। जैसे ही इसकी वार्निंग जीरो और एरर आपकी जीरो आएगी तभी ये प्रोग्राम आपका रन होगा, अन्यथा आपका प्रोग्राम में रन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आउटपुट में जब आप आओगे तो आउटपुट में क्या लिख के आएगा, इंटर एनी करेक्टर आपका लिख के आया। इंटर एनी करेक्टर में क्या दिए आप, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति का नाम लिखा स्मॉल लेटर में, यम ओ एच ए एन मोहन लिखा, तो यम आपका अगर कैपिटल आ जाता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी प्रोग्राम बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर दोबारा आपने रन कराया इसी प्रोग्राम को और यहाँ पर आपने लिखा इंटर एनी करेक्टर आपने लिखा, इंटर एनी करेक्टर में मान लीजिए आपने कोई डिजिट दे दिया, फाइव नंबर दे दिया, तो ये आपका अब नहीं लौट आएगा, ठीक है, वहीं पर आपका कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। आपने यहाँ पे लोअर केस में कोई दिया, मान लीजिए जी ओ डी दिया, गॉड दिया, गॉड में क्या करेगा, जी को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा, जी आपका ऐसे लिख के आएगा और जितने भी उसके अल्फाबेट थे उसे आपका छोड़ देगा। तो ये आपके लाइब्रेरी फंक्शन के अंतर्गत हमने आपको करेक्टर फंक्शन बारे में समझाया। अगली वीडियो ट्यूटोरियल में कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लेंगे और वहां पर आपको सर्च करके दिखाएंगे कि ये प्रोग्राम आपका कैसे रन करता है मैथ का, ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीएस ट्यूटोरियल्स एकेडमिक क्लास, क्लास टेंथ है, लेसन 13, लाइब्रेरी फंक्शन के पार्ट 4 में आई विल डिस्कस अबाउट न्यूमेरिक फंक्शन एंड अर्थमेटिकल फंक्शन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल फंक्शन। दोनों फंक्शन आपके एक ही हैं, आपके क्वेश्चन करने के तरीके में अंतर है, ठीक है। न्यूमेरिक को भी आप अर्थमेटिक कहते हैं और अर्थमेटिक को भी आप न्यूमेरिक फंक्शन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिनेशन, अ न्यूमेरिक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच ऑपरेट न्यूमेरिक वैल्यू। कहने का तात्पर्य है कि यह फंक्शन आपके सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को लेता है, उसे ऑपरेट करता है और उसी के आधार पर आपका रिजल्ट डिस्प्ले करता है। सी प्रोवाइड्स मेनी न्यूमेरिक फंक्शन आर एज फॉलो, इसमें अनेक प्रकार के मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हेडर फाइल इसकी जो होती है आपकी math.h होती है, ठीक ना, इसमें जो भी आप प्रोग्राम लगाएंगे उसमें आपका math.h हेडर फाइल नहीं लगी होगी तो प्रोग्राम आपको एरर बताएगा और रन होने में दिक्कत होगी। तो क्या होगा, कुछ आपके न्यूमेरिक फंक्शन है जैसे एबीएस, एफ एबीएस, साइन फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉस फंक्शन, लॉग फंक्शन, लॉग टेन भी फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं, एग्जिट फंक्शंस होते हैं लॉगरिथम निकालने के लिए, उसके लिए आपके कुछ फंक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उसको हम आपसे चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑल ऑफ एबीएस फंक्शन, एबीएस फंक्शन इज एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई जो वैल्यू देते हैं अगर पॉजिटिव देते हैं तो आपकी पॉजिटिव वैल्यू तो रिप्लेस करेगा ही,
अगर आप इसकी वैल्यू नेगेटिव देते हैं तब भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव प्रिंट कराता है, तो इसलिए इस फंक्शन को एब्सोल्यूट फंक्शन या एबीएस फंक्शन के नाम से आप जानते हैं। इसमें जो डेटा टाइप आप यूज करेंगे वो या तो इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं या तो आप फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं। बोथ डेटा टाइप का आप यूज करके इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, ऐसे लिखा जाए राइट ए प्रोग्राम टू रीड, ठीक है, -5 प्रिंट द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, -5 है इसका एब्सोल्यूट निकालना है आपको, तो क्या करेंगे, हैश इंक्लूड stdio studio.h और हैश इंक्लूड math.h, एक हेडर फाइल आप लगाएं, हैश इंक्लूड math.h हेडर फाइल लगाया, हैश इंक्लूड आपने क्या लगाया, हैश इंक्लूड conio.h आपने लगाया, ऐसा conio.h और वाइड मेन फंक्शन हमने लगा दिया ऐसा। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको कहे हमने बोला था कि या तो इंटीजर प्रकार से डेटा टाइप यूज कर सकते हैं या फ्लोट यूज कर सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, इंटीजर डेटा टाइप लिया, इंटीजर ले लिया और यहाँ पर हमने वेरिएबल जो डिफाइन किया वो न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल आपके बीच में डिफाइन किया, यानी UUM डिफाइन कर दिया न्यूमेरिक टाइप का। इसके लिए printf फंक्शन हमने लगाया, printf मैसेज दिया enter any number, ये आपका मैसेज हमने दिया, और scanf फंक्शन लगाया, scanf modulus d लगाया और %sign लगा के यानी UUM इनपुट करा दिया हमने। जैसे ही इनपुट कराएंगे तो अब क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करे, तो printf फंक्शन में यहाँ पर हमने printf फंक्शन लगाया, printf इसमें मैसेज क्या दिया, absolut एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल मॉडुलस d लगाया, और यहाँ पर क्या दिया, abs फंक्शन हमने दिया किसको, न्यूमेरिक फंक्शन को चेक करे, ये लगाया एब्सोल्यूट फंक्शन abs का, और ये हमने सेमी कॉलम लगा दिया, ये एक ब्रैकेट इसके लिए इस फंक्शन में जो हमने वैल्यू दिया है, एक यहाँ ब्रैकेट लगाया तो सेमी कॉलम लगा दिया। अब क्या करेंगे, printf फंक्शन लगाया हमने और /n लगा दिया, नई लाइन से आपका डिपॉजिट कर दे, और क्या करे, गेट ch फंक्शन होल्ड द प्रोग्राम्स के लिए। जब आप इसमें प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी तो ये मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, जैसे ही मॉनिटर स्क्रीन पर ये आपका डिस्प्ले करेगा तो आप क्या करोगे, ठीक ना, जैसे ही मॉनिटर स्क्रीन पर आपका ये वैल्यू डिस्प्ले करेगा, इंटर एनी नंबर आपका डिस्प्ले करेगा यहाँ पर, एनी नंबर आपका डिस्प्ले करेगा, तो आप क्या करेंगे, नंबर्स में मान लीजिए आपने नंबर्स में दिया -5, जैसे ही -5 आप देंगे तो ये वैल्यू कहां पर आएगी, यहां पर इनपुट करा देगी, इनपुट कराने के बाद एबीएस फंक्शन में जाएगी, एबीएस फंक्शन में क्या लिख के आएगा, आउटपुट में 5 लिख के आ जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हमारी जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट है, ठीक है। अगर दोबारा प्रोग्राम आपने रन कराया, रन ऑफ द प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पे इंटर एनी नंबर आपके लिख कर आया, वहां पर आपने सिर्फ +10 दिया, तो यहाँ पर 10 डिजिट आपको वापस कर देगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी फिक्स हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स में या फेबियस साइन टैन कॉस और लॉग फंक्शंस आपके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।